हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं, ठीक है, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ठीक है। चलिए, तो ये जो बेसिकली ये जो वीडियो है थोड़ा लेट से आया है, ठीक है। ओरिजिनल डेवलपमेंट तो ये अभी नया नहीं है, ठीक है, बात ये नया नहीं है। ओरिजिनल डेवलपमेंट हमेशा जो है पेंटिंग्स जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ही वीडियो आता है, ठीक है। तो ये कोई भी पार्ट हो, बंगाली स्कूल हो या फिर राजस्थानी स्कूल हो, सब में जो है आप देखने को मिलेगा कि ओरिजिन जो है एंड डेवलपमेंट वो थोड़ा सा बाद में आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पेंटिंग्स को कंप्लीट कर डालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। अब चूँकि देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, ठीक है, कि इतना लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट बनाइए, ठीक है, शॉर्ट टाइम वीडियो। तो शॉर्ट टाइम वीडियो तो देखिए काफ़ी लोगों को क्या होता है ना कि पूरा समझते हैं तो वो क्या कर पाते हैं, वो आधा मतलब पेज ही लिख पाते हैं या 20 लाइन्स लिख पाते हैं, ठीक है। तो पूरा समझाने के बाद जब आप उतना लिख पाते हो तो जब थोड़ा बहुत आपको समरी बताएंगे तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो हम जो है अपना काम करेंगे, पूरा जो आपको टॉपिक दे रखा है उस पूरे टॉपिक को पढ़ के समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है हम आपको दिखा दे रहे बुक का जो है, ठीक है, दिखाएंगे और आपको जो है देखते रहना है, ठीक है, और हम उसका हिंदी जो है आपको बताते जाएंगे, ठीक है, मतलब समझाते जाएंगे, क्लियर है। तो मतलब हम जो 2 बार पढ़ते हैं ना उस 2 बार को जो है एक ही बार में कम्प्लीट करेंगे, समझ में आ रहा बात, हिंदी में ही समझा देंगे एक ही बार में, ठीक है। मतलब इंग्लिश जो है एक बार पढ़े फिर हिंदी पढ़े ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा टाइम का जो है बचत होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा आपका भी। और वीडियो का क्या है, वीडियो तो हम कितना भी लंबा बना सकते हैं, ठीक है, तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम लोगों के पास कम है, ठीक है। अब कुछ लोग तो एग्ज़ाम्स के वक्त ही इस तरह के खास तरह के इस तरह की चीज़ हो, ठीक है, फाइन आर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सब क्या है एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो इसलिए जो है टाइम कम होता है, तो टाइम ड्यूरेशन को घटाने के लिए वही काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। डेकनी आर्ट जो है अपना वो डिनोट करता है ब्रॉडली जो है मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर आपको बता दिए थे पोस्टल स्टैम्प के जितना साइज का होता है, ठीक है। तो जो मिनिएचर पेंटिंग है वो 16th century AD से लेके 19th century AD के बीच में जो डेकनी आर्ट था बहुत ही प्रोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा था उस वक्त, ठीक है। किस किस रीजन में, हर रीजन में नहीं ये ऊंचाई को छू रहा था। ये 3 ऐसे बेसिक जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट था, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, दूसरा हो गया गोलकोंडा, उसके बाद तीसरा हो गया आपका हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे दिया बीजापुर के बाद, बीजापुर के बाद पता नहीं क्यों कॉमा दे दिया, लेकिन एक पेंटिंग हम पढ़े हैं, ठीक है। आपका ये वाला देखिए, पहला जो होगा रागिनी पद्मशिखा, देखिए उसमें आपको देखने को मिलेगा बीजापुर और आपको अहमदनगर साथ में मिलेगा, ठीक है। तो वो दोनों का स्टाइल का मिक्सअप है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, उस पेंटिंग में हो, ठीक है। चलिए, क्या जो भी है 3 से 4 है, चलो कोई बात नहीं, 4 ही है सही, ठीक है। तो ये जो आपको जो नाम है ना बहुत इजी है याद करना, ठीक है, अगर आपको पेंटिंग पढ़े हैं, ठीक है, एक बार भी अगर आप पढ़े हैं तो उसका जगह का नाम याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब सब स्कूल, ठीक है। तो एक का तो हमको याद है हज़रत निज़ामुद्दीन, ठीक है, औलिया, ठीक है, एंड आमिर खुसरो उसका हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा देखूँ, दूसरा रागिनी पद्मशिखा जो पहला है, ठीक है, उसमें आपका है आपका बीजापुर अहमदनगर दोनों मिला के दिया, हालांकि यहाँ पे कॉमा दिया है तो दोनों अलग अलग कर देना, उसमें क्या है, तो 3 हो गया। उसके बाद चौथा जो है आपका बीच वाला कौन सा है आपका गोलकोंडा, जो चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ठीक है, कुछ दिन पहले आया ये उसका वीडियो, ठीक है, तो उसको नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वो जो है 4 जो है आपके जगह ये ऐड करके आप ये 4 जगह को मेंशन कर दोगे, क्लियर। अब आगे देखिए, ये जो स्टेट्स है इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी पे भी डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, खुद पे डिपेंड होते हैं जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली दोनों तरीके से, इसीलिए इसको डेकन नाम दिया गया है। यानी कि हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, ये खुद का जो है अपनी पहचान बनाए हिस्ट्री में, ठीक है, यानी कि इतिहास में और जियोग्राफिकल में भी, ठीक है। डेकन का एक अपना आर्ट है, आर्ट फॉर्म, जिसमें कि कल्चर अपना अलग है, उसका लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेजेस अलग हैं, वैल्यूज़ अलग है, कॉस्ट्यूम्स अलग है, रिलीजियस बिलीफ, वहाँ के लोग कैसा विचार करते हैं, थॉट कैसा रखते हैं, आइडिया रखते हैं, वो सब अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ जो आपका छोटा सा एकदम दे रखा है उसको अब देखिए, उसको समझा रहे, ठीक है। जो स्टाइल या थीम जो है आपका डेकनी मिनिएचर पेंटिंग का वो एमेजिनेशन, ठीक है, यहाँ पे बोला एमेजिनेशन ऑफ वेरियस
आठ एलिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे आठ एलिमेंट्स को मिला के इस आर्ट को बनाया गया। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे आर्ट आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही पहले यूज़ होते थे, एकदम अर्ली इंडिजिनस आर्ट देखने को मिलेगा, और ईरान के, पर्सिया के, टर्की के, इस्लामिक आइडम, ठीक है, इस तरह के इस्लामिक आइडम को भी आपको यहाँ पे इसके साथ मिला हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आया डेकनी आर्ट में क्या कुछ मिला हुआ है? बहुत सारे आर्ट एलिमेंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर, थॉट, ये सब क्या है? भिन्न है, यानी कि अपने अपने। और यहाँ पे ये भी खास बात कि ये कौन से स्टाइल में, ठीक है, कौन कौन से रीजन में है, ये नाम लिखना ज़रूरी है। बीजापुर, हैदराबाद, गोलकोंडा, अहमदनगर, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखना ज़रूरी है कि ये जो आपका इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी ये बनाया हुआ है, ठीक है, इतिहास में, इसीलिए इसको डेकन कहते हैं। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ द डेकनी आर्ट। ठीक है, फेजेस ऑफ द डेकनी आर्ट में देखिए, जो आपका अर्ली फेज था, पहले के टाइम का, ठीक है, जो आदिल शाह के ज़माने का, ठीक है, यानी कि आदिल शाह जब थे बीजापुर में, जब 16th सेंचुरी का जस्ट बिगनिंग हुआ था, यानी कि जस्ट शुरुआत हुआ था, तब आदिल शाह थे बीजापुर के में, ठीक है, उनके मतलब वो शासन कर रहे थे उस जगह पे, ठीक है, तो जो वो एक थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक ईरानियल इमिग्रेंट आए, ठीक है, इमिग्रेंट हो गया, जैसे एक इमिग्रेंट होता है, ठीक है, और एक होता है एक बाहर, एक मतलब एक कंट्री से दूसरे जगह जाना, ठीक है, और एक होता है कि दूसरी कंट्री से अपने जगह आना, ठीक है, तो ये इमिग्रेंट है, ठीक है, तो इमिग्रेंट थे यानी कि कहीं और से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यूसुफ आदिल शाह यही आए थे, ठीक है, और ये जो है सोल्जर्स को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है, क्या चीज़ में, टू रेज द हाइट ऑफ अ शाह, ठीक है, शाह मतलब हो गया आदिल शाह जो है रूल जब कर रहे थे बीजापुर में, तो वहाँ पे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा जो है भर्ती ले रहे थे, ठीक है, यानी कि सेना में भर्ती ले रहे थे। और उसके बाद फिर अब देखिए क्या है कि एक इनविटेशन उनको आया, ठीक है, जो कि बहुत सारे ईरानी, पर्शियन, टर्किश पेंटर्स को क्या किए, इनवाइट किए, उसमें इनविटेशन गया उन लोगों के पास, कैलीग्राफर्स के पास, स्कॉलर्स के पास, कि वो उनके दरबार में आए, ठीक है, यानी कि दरबार कहाँ है, बीजापुर में। क्लियर, तो अब इस्लामिक आर्ट स्टाइल को बहुत ज़्यादा स्किल्ड था, ठीक है, तो उस तरह के आर्टिस्ट जो को बाहर से मंगवाए, ठीक है, प्योर इस्लामिक थीम पे जो बनाते थे, वैसे वैसे आइटम्स, आइटम हो गया आपका जैसे मूर्ति, ठीक है, स्टैचू उसको बोलते हैं आइटम, ठीक, तो उस तरह के आइटम्स बनाने वाले को भी बुलाए, ठीक है, तो मतलब वो अलग अलग प्रकार के जो थे ना, सारे लोगों को बुला दिए, कोई पेपर पे बनाते थे, कोई आइटम बनाते थे, कोई स्कॉलर, ठीक है, इस तरह से सभी लोगों को, बहुत सारे कैलीग्राफर्स, ठीक है, सभी को क्या किए, इन्वाइट किए, ठीक है, इन्वाइट किए अपने दरबार में बुलाए, ठीक है। तो वो जो था क्या था, इंडियन आर्ट, वो क्या करते थे, जो इंडियन आर्ट था, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था उनके टाइम में, ठीक है, और चूंकि इंडियन सॉइल है, ठीक है, इंडियन सॉइल मतलब जमीन जो है, भूमि जो है वो इंडिया का है, ठीक है, तो जो आर्ट रहेगा वो तो इंडियन का ही ना रहेगा, तो इस तरह के जो आर्ट, ठीक है, जो आर्ट था इस्लामिक पेंटर्स का, वो क्या किए, वो टेक्स्ट लिखते थे बस, ठीक है, यानी कि आपको हम पहले बताए, ठीक है, मुगल वाला जो हम पढ़ाए, ठीक है, मुगल में भी या कहीं पे भी देखने को मिलेगा, मुगल में ज़्यादा तक देखने को मिलता है, कोई भी पेंटिंग है ना, अगर राजस्थानी भी पेंटिंग है, उसमें कहीं ना आपको दिख जाएगा कि ये पर्शियन स्टाइल में लिखा हुआ है, और पर्शियन स्टाइल जो है बिल्कुल उर्दू जैसा शब्द की तरह दिखता है, तो लोगों को लगता है कि वो इस्लामिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो रहता हालांकि पर्शियन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा इस तरह का, तो वो एक पहचान होता है उनका कि वो उनके द्वारा बनाया गया, पता कैसे चलेगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि बहुत सारे जो है डिसेंडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे डिसेंडेंट्स यानी कि बोल सकते हैं उनके जो वंशज थे, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह के, वो क्या करते थे, आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, ठीक है, और पैटर्नाइज्ड आर्टिस्ट, ठीक है, उन सभी में रुचि रखते थे, ठीक है, उन सभी को बुलाए भी थे इसीलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी जो को है टाइम, यानी कि टुडे, यानी कि अभी जो है कुछ ऐसे कॉपीज, जैसे होली कुरान हो गया, ठीक है, यानी कि जो उनका होता है कुरान, जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पवित्र जो माना जाता है, ठीक है, पवित्र एक तरीके से, ठीक है, तो उनके लिए जो कुरान है, जो होली कुरान, और या फिर आपका सूरा, ठीक है, ये सभी जो है, या कुछ लीजेंड्स हो गए जैसे अनवर आई,
सुहाली, ठीक है, उसके बाद हो गया यूसुफ, जुलेखा, ये सब उन टाइप के उस पीरियड में जो है क्यूली इंताब शाह के पीरियड में जो है इस तरह के जो है डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलते थे, ठीक है, उनकी कॉपीज जो है पाए जाते थे, ठीक है। तो अब देखिए कुछ ऐसे वर्क्स जो क्या है अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो एकदम से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो जो डेकन वर्क था, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, जो डेकन वर्क जो है आर्ट ऑफ पेंटिंग में, ठीक है, आर्ट ऑफ पेंटिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया टेक्स्ट इल्यूमिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है, डेकन वर्क में ज़्यादातर वही काम हुआ, ठीक है, डेकोरेशन का भी काम हुआ। तो इसमें प्रोमिनेंटली कौन कौन से कलर यूज़ होते थे, रेड, ब्लू और पिंक, तीन कलर, ठीक है। और ये जो है चूज़ किया गया था एज अ डेकन आर्ट के लिए, ठीक है, कि जब कभी भी आप आर्ट बनाओगे इसी कलर का ज़्यादातर प्रोमिनेंटली आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग टोन दिया जाता था इससे, और कुछ ऐसे फेस देखने को मिले, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, डिज़ाइन, पैटर्न बहुत ही हाईली सिमेट्रिकल वे में बनाए जाते थे, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड फेज आया ना, सेकेंड फेज जब स्टार्ट हुआ तो जो लेटर जनरेशन था मुस्लिम रूलर्स का, जो डेकेनी स्टेट्स में अपना शासन कर रहे थे, जैसे बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, अहमदनगर, हैदराबाद, ये सब में उनका जड़ था जो फैल रहा था, ठीक है, फैला हुआ था पूरा इंडियन सॉइल पर, ठीक है। तो जो क्या हुआ उन लोगों को जो है ना कुछ ज़्यादा खास जो अट्रैक्शन नहीं मिला टर्की और पर्शिया की तरफ से, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास आकर्षण नहीं हुआ, ठीक, मतलब उनको उतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, मतलब पर्शिया और टर्की के लोगों जो थे, मतलब उनके एम्परर और जो उस तरह के जो लोग, ठीक है, जो हालांकि ये क्या थे, ये भी मुस्लिम रूलर, वो भी मुस्लिम रूलर, ठीक है, वो भी कहीं और से यहाँ पे आए थे इस्टेब्लिश किए, ठीक है, गोलकोंडा और ये बाकी सभी जगहों में, ठीक है, लेकिन उन टर्की और पर्शिया के जो थे, ठीक है, वो लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं था डेकेनी के जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन उन पर, ठीक है। अब देखो ये जो इंक्लिनेशन हुआ, ठीक है, अब जो इंडियन इंडियन मिस्टिकल, ठीक है, मिस्टिकल यानी कि मिस्टीरियस को बोलते हैं, हालांकि ठीक है यहाँ पे कुछ और वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, ठीक है, जो लोकल बेसिकली जो आर्टिस्ट थे, लोकल डिसेंडेंट जो उनके पूर्वज बनाए या वो बना रहे, ठीक है, इस तरह के जो आर्टिस्ट, ठीक है, कि उन मेरे पापा भी आर्टिस्ट, अब हम भी आर्टिस्ट, ठीक है, उस तरह मतलब होता है ना, तो वो जो पूर्वज उनके जो आर्टिस्ट थे वैसे वैसे ही चलता गया, ठीक है, जो ईरान से, पर्शिया से, दूर दूर से आए थे, ठीक है, ईरान, पर्शिया, टर्की, ये सब से आए थे, ठीक है, और उनके लिए वो पेंटिंग बनाते थे, ठीक, बताए ना आपको इनविटेशन कार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए तो आगे क्या है कि जो इस्लामिक आइडम, बहुत सारे इस्लामिक जो है आइडम यानी कि जो मूर्ति होती है, स्टैचू होता है, उस तरह का जो है बहुत सारे इस्लामिक आइडम बनाए वो, ठीक है, और जिनको वो लोग पूछते हैं, ठीक है, तो वैसे बहुत सारे आइटम बनाए गए और एलिमेंट्स को बनाया गया, और बड़े बड़े जो है एलिमेंट्स को क्या किया, रिप्लेस करने लगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बड़े बड़े बने हुए थे उनको तोड़वाया गया और वहाँ पे क्या किया गया, इस्लामिक आइटम बनाया गया, ठीक है। तो अब देखो जो लिबरल एटीट्यूड जो है, ठीक है, द क्या लिखा है, द लिबरल एटीट्यूड अलाउड डिपिक्शन ऑफ नॉट ओनली द इंडियन सब्जेक्ट बट ऑल्सो ऑफ द एरोटिक सिचुएशन। देखो क्या कह रहा है कि जो एटीट्यूड है, लिबरल एटीट्यूड मतलब लिबरली, जैसे कहते हैं ना टीचर्स कि लिबरल हम चेकिंग कर रहे हैं, मतलब आराम आराम से, मतलब चलो थोड़ा बहुत मिस्टेक किया चलो नंबर दे देते हैं ऐसा, ठीक है। तो लिबरल का मतलब होता है एक तरीके से शांत भाव बोल सकते हैं, काइंडनेस बोल सकते हैं, ठीक है, पोलाइट सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिबरल थे कौन, लिबरल थे, ठीक है, तो लिबरल एटीट्यूड था, ठीक है, जो उनका किनका, तो जो आपके बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब जो जगह है उनके जो शासन कर रहे थे यानी कि रूलर जो थे बहुत ही लिबरल एटीट्यूड के थे, जो इंडियन सब्जेक्ट मैटर पे हालांकि वो क्या करते थे इस तरह के सिचुएशंस पे वो अलाउ नहीं करते थे, ठीक। अच्छा तो देखिए अब थर्ड फेज शुरू हुआ, सेकंड फेज देख लिए हम लोग, सेकंड फेज में देखिए पहला फेज में क्या हुआ, पहला फेज सेकंड फेज में आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। पहले फेज में क्या हुआ था कि जो टेक्स्ट इल्यूमिनेशन होता था, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट इल्यूमिनेशन, ठीक है, इस्लामिक का जो भी था, ठीक है, टेक्स्ट इल्यूमिनेशन होता था, लेकिन बाद में कुछ सिंबल्स भी यूज़ होने लगे उसी वक्त, ठीक है, पैटर्न यूज़ होने लगा, लेकिन बाद में जब सेकेंड फेज जब शुरू हुआ
तो सेकेंड फेज शुरू होते ही क्या हुआ, वो जड़ अपना फैलाने लगा। मतलब अब सिर्फ टेक्स्ट एलुमिनेशन के साथ और डिजाइन के साथ साथ अब होने क्या लगा कि अब ये होने लगा कि आइटम भी बनने लगे, ठीक है। आइटम्स जो इस्लामिक आइटम्स थे वो बनने लगे, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड फेज में क्या होता है, देखिए द थर्ड फेज जैसे शुरू हुआ अब 18th सेंचुरी शुरू हो गया था, ठीक है, जो हैदराबाद का बात कह रहा है, ठीक है। कि और एक अनदर फॉर्म जो है डेकनी आर्ट जो है वो तो था ही एग्जिस्टेंस में, ठीक है, उस टाइम पे था, ठीक है। तो इस फेज में अब क्या हुआ, रोमांटिक फर्वर ऑफ द फॉर्मर गोलकोंडा स्कूल एज वेल एज द सिस्टिलिक, ठीक है, यानी कि स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स का यूज़ होने लगा मुगल आर्ट के दौरान, ठीक। यानी कि क्या ब्लेंडिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे रोमांटिक जो आपकी यानी कि गोलकोंडा में और अदर स्कूल्स में क्या होने लगे, मुगल आर्ट से बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स जो है देखने को मिलने लगे, ठीक है। उसके बाद जो है औरंगजेब का डेथ हो गया, औरंगजेब मर गया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, जो ग्लोरी एक तरीके से होता है रोशनी, ठीक है। अब जो रोशनी था ना वो बिल्कुल एक तरीके से फीका हो गया था, ठीक है, मुगल कोर्ट में। अब हुआ क्या, जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो माइग्रेट हो गए थे, जो हैदराबाद चले गए थे मुगल कोर्ट को छोड़कर, क्योंकि हम औरंगजेब जो क्या किया था, सारे तरह के आर्ट फॉर्म्स पे बैंड लगा दिया था, ठीक है, जैसे ही वो बैठा, ठीक है, जैसे ही वो मतलब क्या किया था, पिता को क्या किया था, बंदी बना लिया था, अपने भाइयों का मर्डर करवा दिया था, और फिर बाद में खुद जो है वो क्या किया था, सिंहासन पे बैठ गया था, ठीक है, खुद राजा बन गया था। तो वो जो है बाद में जब वो मर जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक वो शासन हालांकि कर नहीं पाता, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से वो लड़ाई मोल भी लेता है, इसकी वजह से जो है वो जल्दी मतलब ज़्यादा नहीं देर तक शासन नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे कि अकबर क्या करते थे ना, राजपूत जो किंग थे उनको बहुत ज़्यादा मिला के रखते थे, ठीक। इससे क्या होता था कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता था उनके राज्य में भी, हिंदू मुस्लिम्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता था, ठीक है। उस टाइम पे हिंदू ज़्यादा थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है, इस तरह लगभग, ठीक है, तो मिला जुला के थे, तो ये जो है मिलजुल के रहते थे। लेकिन जब अकबर तक ठीक रहा, उसके बाद फिर जहांगीर आए, जहांगीर के टाइम में भी ठीक ठाक चला, ठीक है, शाहजहां तो थे तो उनके टाइम में भी ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद फिर जो थे औरंगजेब बिल्कुल अपोजिट थे, ठीक है, तो उनके टाइम में बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं रहा, ठीक है, वो तो बिल्कुल ज़बरदस्ती से वो क्या किए थे, किंग बन गए थे। किंग बनने के बाद क्या किए, ज़्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाए, बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, बहुत सारे किंग थे उनसे क्या किए, वो लड़ाई मोल लेने लगे, जिनको वो क्या करते थे, मिला के रखते थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सभी, ठीक है। शाहजहां के टाइम में तो बिल्कुल वार हुआ ही नहीं था बिल्कुल, ठीक है, वो एकदम मतलब ऐसे इंसान थे कि वार के नाम से मतलब लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, ठीक है, तो वो एकदम मिला के रखते थे लोगों को, ठीक है, और इसलिए कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं मतलब कि लड़ाई हो, ठीक है, तो कोई वार हुआ नहीं उनके टाइम में। बेसिकली एक दो बार हम लोग सुनने को मिलता है, ठीक है, पता नहीं शायद वो भी हुआ था कि नहीं, ठीक है। तो उनके टाइम में आर्किटेक्चर फॉर्म बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बना। और जब औरंगजेब के टाइम में तो सब कुछ बैंड कर दिया, ठीक है, बैंड कर दिया कि कोई भी म्यूज़िक नहीं बजाना है किसी भी प्रकार का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो आर्ट फॉर्म है, ठीक है, यही पेंटिंग वगैरह, ठीक है, ये सब बैंड लगा दिया, आर्किटेक्चर पे भी रोक लगा दिया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें जो करने लगा, ठीक है, कुछ कुछ चेंजिंग, ऐसे बहुत सारे चेंजिंग्स लाने लगा जिसकी वजह से दुश्मन बन गया वो, ठीक है, सभी राजपूत किंग का, ठीक है। उस वक्त राजपूताना शासन भी था, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वही तो था, राजपूताना शासन ज़्यादा प्रोमिनेंट था उस वक्त, ठीक है, तो वो सभी से बहुत सारे वार होने लगे। तो वो जो है ना मतलब कभी चैन से बैठा ही नहीं, सिर्फ लड़ता ही रहा, ठीक है, मतलब लड़ाई होता था, लड़ाई लड़ता था, फिर दूसरा लड़ाई लड़ता था, इस तरह से होते होते मतलब मर ही गया, ठीक है। तो जब वो डेथ हो गया औरंगजेब का, उसके बाद जो है मुगल कोर्ट में जैसे कि मतलब जो लोग छोड़ के गए थे हैदराबाद की तरफ चल गए थे, कुछ ऐसे मुगल जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो सभी आर्टिस्ट को अब लग रहा था जैसे कि उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा ना, तो वो चीज़, तो मुगल एलिमेंट्स को लेकर वो चल रहे थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम मुगल आर्ट को भूल गए एकदम, ठीक है। उसके बाद स्पेशलिटी दे रखा है स्टाइल ऑफ डेकनी आर्ट का, देखें जो फुल डेवलप्ड फॉर्म है डेकनी मिनिएचर आर्ट का, जो हम लोग पैरेलल है, ठीक है, एकदम बिल्कुल पैरेलल मतलब साथ साथ चल रहा है एकदम मुगल आर्ट के, ठीक है, मुगल आर्ट डेकनी आर्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक। तो देखिए उसका क्या है, मुगल डेकनी आर्ट का जो है बहुत सारा
क्या क्या मतलब फीचर्स है दे रखा, कि जो पर्शिया का एकदम रिथमिक डेलिकेसी ठीक है जो देखने को मिलेगा, दूसरा कि लस सेंसुअलिटी ठीक है, यानी कि आपका जो डेकन का जो कल्चर होता है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा, थ्री डायमेंशनल इफेक्ट जो जहांगीर लाए थे ना वही यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है ठीक है। यूरोपियन आर्ट में क्या है, थ्री डायमेंशनल इफेक्ट ही तो है, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है। और बिल्डिंग्स का यहाँ पे हालांकि उतना नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि डेलिग्नेशन आपको देखने को मिलेगा, बिल्डिंग्स का उतना जो है यहाँ पे इसका बनाया नहीं गया था ठीक है उस टाइम पे, डेकनी में आर्ट में उतना उसको नहीं माना जाता था ठीक है, प्रोमिनेंटली उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उसके बाद ये चौथा है कि जो ऊंचे ऊंचे टॉल ऊंचे ऊंचे फेयर कॉम्प्लेक्सेस इमोशनली चार्ज मेल्स एंड सेंशनस लुकिंग फीमेल्स ठीक है, ये सभी जो है आपके क्या है देखो ट्रायंगुलर शेप, बहुत सारे मूड पर डिपेंड करता है, बहुत सारे सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करती है, लवली लवली फेसेस ठीक है, लोगों की आंखें खुल गई उस वक्त, उस तरह के पेंटिंग्स जो है अब क्या करने लगे लोग, नेचुरल सीन ड्रामेस्टिक सेंटिमेंटल मूड्स, मूड्स का भी कोई बनाया क्या उस टाइम पे, मूड बनाना मतलब डेट इज मतलब कुछ नया ही सोचना होता है ठीक है। अब आप आजकल बोलेंगे कि मूड को बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं ठीक है, एंगर हैप्पी ठीक है एनजाइटी इस तरह से हम लोग बनाते हैं ठीक है, तो वो मूड वगैरह भी ये सब जो है उस टाइम पे वो बनने लगा ठीक है, डेकनी आर्ट में ये सब है ठीक है। तो ये सभी फीचर्स है, आई होप कि आपको समझ में आएगा ठीक है, यही अपना था चैप्टर ठीक है। तो टोटल आपको 20 मिनट से ऊपर लगा, बट नॉट मोर देन 30 मिनट ठीक है, 30 मिनट से तो कम ही है ना। चलो तो आई होप कि आपको समझ में आया ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ठीक है, ताकि आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस है ना वो आप सबसे पहले देख पाइए, तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बगल में दे रखा होगा घंटी का आइकन ठीक है, उससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी ठीक है, टाइम टू टाइम जब वीडियोज़ आते हैं ठीक है तो आप उस समय पर जाके देख सकते हो, अदरवाइज आप बाद में भी जाके देख सकते हो, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो पता चलेगा कि अभी ये वीडियो आया है ठीक है, तो अगर आपको देखना होगा तो आप जाके देख सकते हैं ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होगा ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, रागिनी पद्मशिखा जो अपना पहला पेंटिंग है उसको हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।